Our today's topic is financial analysis and forecasting. In this lecture, you will get to learn what is financial planning and how firms plan for their future uh, in management and many other subjects. We have learned that the planning and the strategic planning starts from the vision and mission statement of the company. It's a framework we have studied many, many times that a company starts its business from having a business aspirations or a vision. Then we move on to uh, स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द विजन एंड स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड द मिशन स्टेटमेंट जिसमें हम अपनी कंपनी के बारे में सब एस्पेक्ट्स लिखते हैं कि वट इज़ द पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी उसके बाद अपने उस मिशन को अचीव करने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं इट्स अ रोड मैप फॉर अचीविंग द मिशन और ये ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म होते हैं देन स्ट्रेटीज एंड देन अप्रोचेस ये सारा फ्रेमवर्क हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है और हमें पता है कि कोई भी कंपनी अपनी प्लानिंग ऐसे ही स्टार्ट करती है फाइनेंशियल प्लान बेसिकली ऐसे ही स्टार्ट होता है कि जब एक कंपनी अपने विजन को देखते हुए अपना मिशन स्टेटमेंट जो है वो सेट करती है तो फिर हमें नेक्स्ट ये देखना होता है ऑब्जेक्टिव्स ये ऑब्जेक्टिव्स आपके डिपार्टमेंट वाइज होते हैं यहाँ पर हम जस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो इस वाले एस्पेक्ट uh, में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की बात करेंगे ठीक है हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे तो जब आपके ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट काम होता है आपका स्ट्रेटजीज करना एंड स्ट्रेटजीज बेसिकली ऑल अबाउट द फोरकास्टिंग और यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग भी फोरकास्टिंग को ही डिस्कस करेगी हम फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली दो तरह की होती है सबसे पहले हम अपनी कैश प्लानिंग भी करते हैं दूसरा काम हमने प्रॉफिट प्लानिंग का करना होता है कैश प्लानिंग को मैं कैश बजट भी कह सकती हूँ कैश बजट बेसिकली एक हमारी फ़ोरकास्ट होती है जिसमें हमने ये देखना होता है कि फॉर द गिवन टाइम पीरियड हमें कितने कैश इन्फ्लोज होंगे और कितने कैश आउटफ्लोज हो सकते हैं ठीक है ये प्रोजेक्टेड होती है फोरकास्टेड होती है यह आपको पता है कि कैश स्टेटमेंट में या कैश बजट में आपके पास तीन तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं वो जो आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट है उसमें जितना भी डाटा होता है वो फोरकास्टेड होता है ठीक है उस फोरकास्टेड बजट को देखते हुए हम फिर अपनी प्रॉफिट प्लानिंग करते हैं जो कि आज का हमारा कंसर्न है प्रॉफिट प्लानिंग प्रॉफिट प्लानिंग को हमने पहले भी डिस्कस किया है एस में भी हमने उसको जो है डिस्कस किया था कि प्रॉफिट प्लानिंग बेसिकली स्टार्ट होती है आपके सेल्स फोरकास्ट से ठीक है सेल्स फोरकास्ट से आपकी जो है वो प्रॉफिट प्लानिंग स्टार्ट होती है और सेल फोरकास्ट हम कैसे करते हैं सिंपल हमने जो यूनिट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है उनकी सेल प्राइस के साथ ये होता है आपका सेल्स बजट लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है और कितनी हमारी सेल प्राइस होनी चाहिए तो जो प्रॉफिट प्लानिंग है उसका सबसे पहला जो एस्पेक्ट है सेल्स फोरकास्टिंग का वो स्टार्ट कहाँ से होता है आपका कि हम अपने यूनिट्स और अपनी सेल प्राइस को फोरकास्ट करते हैं ठीक है यहाँ पे इसने नेक्स्ट एक्सप्लेन किया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस जो है वो लॉन्ग टर्म होता है स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाते हैं और उन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान बनाने होते हैं जिसको हम बजट्स या फिर कोई भी प्राइमरी जो है वो कॉमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेल फोरकास्टिंग से ही सेल फोरकास्टिंग आपकी एक प्रोडिक्शन है कि गिवन टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास कितनी सेल्स हो सकती हैं ठीक है उनके यूनिट्स को हमने खुद एस्टिमेट करना होता है और यूनिट्स को हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं दो तरीके से आपके यूनिट्स को एस्टिमेट किया जा सकता है यहाँ तो होंगे हमारे पास एक्सटर्नल फोरकास्ट या फिर होंगी इंटरनल फोरकास्ट एक्सटर्नल फोरकास्ट कैसे होती है जब भी कोई भी कंपनी अपने यूनिट्स को एस्टिमेट करने जा रही होती है तो वो एक्सटर्नल डाटा देखती है कि जिस uh, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसकी क्या कंडीशन चल रही हैं यानी कि हम अपने इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है हमारे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस यानी कि डिमांड कितनी है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कितनी है ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं क्योंकि हर इकोनॉमी जो है वो डिफरेंट uh, टाइम्स में डिफरेंट सिचुएशनस को फेस कर रही होती है कभी बूम आ जाता है कभी इन्फ्लेशन होता है कभी डिफ्लेशन होता है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपकी सेल फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेंस रखते हैं कि हमने ये सारे फैक्टर्स को देखते हैं। हुए फिर एस्टीमेट लगाना होता है कि हम एक मंथ या फिर गिवन टाइम पीरियड के अंदर कितने यूनिट्स को सेल कर सकते हैं ठीक है दूसरा हम जो सेल फोरकास्ट का मेथड यूज कर सकते हैं वो इंटरनल फोरकास्टिंग है और ये किस पर बेस करेगी आपकी जो प्रीवियस ईयर का डाटा होता है ठीक है प्रीवियस जो हम आप हमारे पास डाटा पड़ा होता है हिस्टोरिकल डाटा उसको देखते हुए कि अगर पिछले साल या उससे पिछले साल अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसमें हमारे पास सेम सिचुएशन अभी है तो हम क्या उतने प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं या फिर नहीं तो कोई भी कंपनी ना तो सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर रिलाई कर सकती है और ना ही जस्ट एक इंटरनल फैक्टर्स पर दे बेसिकली यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू आपकी जब भी सेल फोरकास्टिंग होती है इन दोनों फैक्टर्स को माइंड में रखा जाता है और फिर आपकी सेल फोरकास्टिंग होती है जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं ये आपकी है, कंपनी की एबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि हम मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको एक जो है वो रोड मैप प्रोवाइड करते हैं कि इतनी डिमांड है आपको इतने जो है वो बनानी चाहिए प्रोडक्ट्स इससे ज़्यादा नहीं इसे कम नहीं बना सकती तो जब आप अपनी एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स या फिर इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करके अपने यूनिट्स कि हम कितने जो है वो यूनिट सेल कर सकते हैं करने चाहिए हमें कितनी क्वांटिटी हमें सेल करनी चाहिए उनको आपने एस्टीमेट कर लिया है उसी के साथ साथ हम अपनी सेल प्राइस को भी फोरकास्ट करते हैं सेल प्राइस को भी ऐसे ही फ़ोरकास्ट किया जाता है या तो हिस्टोरिकल डाटा या फिर हमने अपने एक्सटर्नल इन्वामेंट में चेक करना होता है कि कंपेरेटर्स कितनी प्राइस पर सेल कर रहे हैं या फिर हम हम जो सेलिंग डिपार्टमेंट होता है जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है सेल्स बजट बनाने में वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक तो आपको एक्सटर्नल डाटा प्रोवाइड करता है आपके कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपकी टारगेट मान मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और फिर आपको प्राइस भी बताता है कि कौन सी हमारे पास इफेक्टिव प्राइस हो सकती है जिस पर हमें गिवन टाइम पीरियड के अंदर अपने जो है यूनिट्स उनको सेल करना चाहिए अब स्टार्टिंग पे हमने सेल फोरकास्टिंग कर ली है हमने अपना सेल्स बजट बना लिया हमने कहा कि अगर हम बिकॉज इट्स अ फोरकास्टिंग सो आई एम यूजिंग द वर्ड अगर कि अगर हम अपने इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें जब हम उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है एस्टिमेटेड है ना तो ये जो यूनिट्स हमने सेल करने हैं उनको सेल करने के लिए पहले उनको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा तो सेल फोरकास्टिंग करने के बाद बेसिकली हमारा पूरा का पूरा ऑपरेशनल प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है सेल फोरकास्टिंग करने के बाद हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को देखते हैं कि इतने यूनिट्स अगर कर प्रोड्यूस करने हैं तो मुझे कितने हैं कि फिक्स एसेट्स चाहिए उसके अलावा जो है हम अपनी एक तो हमने देख लिया आपके फिक्स एसेट्स कितने होने चाहिए उसके साथ साथ हम क्या करते हैं अपना प्रोडक्शन प्लान भी बना लेते हैं ठीक है कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करके हमें प्रोडक्शन करनी है हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट ये सेल uh, फोरकास्टिंग होने के बाद क्या हो जाता है एक्टिव हो जाता है हर किसी ने इसी को देखते हुए अपना काम स्टार्ट करना होता है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फोरकास्टिंग कि जब आप अपनी सेल्स फोरकास्टिंग कर लेते हैं आपने अपना सारा बजट बना लिया है नेक्स्ट हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्टिंग भी करते हैं यस yes, हम अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट फोरकास्टेड ही बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कैश बजट या कैश स्टेटमेंट के साथ साथ आपकी इनकम स्टेटमेंट और आपकी बैलेंस शीट भी प्रोजेक्टेड होती है मींस फोरकास्टेड होती है एक्चुअल नहीं होती यहाँ पर उसने परफॉर्मेंस स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है हमारी ये प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती है इनको बनाने के लिए हमें दो तरह का डाटा चाहिए होता है एक तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पुराने मतलब जो हिस्टोरिकल डाटा होता है पिछले दो तीन साल का या पाँच साल का भी और उसके बाद सेल फोरकास्ट फॉर द कमिंग ईयर दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एस्टिमेट करने के लिए एक तो आपका करंट बजट कितना है जो आपने सेल फोरकास्टिंग की है करेंटली वो और दूसरी आपकी प्रीवियस जो हिस्टोरिकल डाटा है पाँच तीन चार साल का वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए यहाँ पर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्टिंग के लिए एक एग्जाम्पल यूज़ की है मैंने वो है वैक्ट्रा मैनुफैक्चरिंग कंपनी की ये एक मैनुफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एक ही प्रोडक्ट सेल करती है उस प्रोडक्ट के दो मॉडल्स हैं ठीक है एक मॉडल है एक्स और दूसरा मॉडल है वाई जो मॉडल एक्स है और मॉडल वाई है वैसे तो सेम प्रोसेसिंग के थ्रू हम उनको प्रोड्यूस करते हैं लेकिन दोनों में रॉ मटेरियल और लेबल जो है वो डिफरेंट रिक्वायर्ड होता है मतलब कुछ जो आपका मे बी कि जो आपका प्रोडक्ट एक्स है उस पर आपको रॉ मटेरियल लेबर कम रिक्वायर्ड है और जो प्रोडक्ट uh, वाई है उस पर रॉ मटेरियल लेबर ज़्यादा रिक्वायर्ड है बट दे आर द सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट मॉडल्स है ठीक है अब उसके बाद कहता है प्रोसीडिंग ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल की हमारे पास जो है वो प्रीवियस ईयर की यानी कि 2012 ट्वेल्व की इनकम स्टेटमेंट गिवन है आप देखिए टेबल देख सकते हो कि सेल्स रेवेन्यू क्योंकि हमारे पास दो मॉडल्स हैं मॉडल एक्स एंड मॉडल वाई मॉडल एक्स के हम हंड्रेड यूनिट्स पर थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल करते हैं डॉलर ट्वेंटी के ऊपर और जो आपका मॉडल वाई है उसके हम टोटल टू थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और उनको हम सेल करते हैं फोर्टी के सेल प्राइस पे तो आपका टोटल सेल्स जो है वो उसने यहाँ पर आपको सेपरेटली बताया था पहले मॉडल्स के अकॉर्डिंग फिर ऐड करने के बाद हमारे पास आ गए हैं टोटल सेल्स फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने सी को भी डिफरेंट में डिवाइड किया है लेबर है अलीहदा मटीरियल ए और मटीरियल बी क्योंकि मटीरियल जो है वो टोटली वेरिएबल कॉस्ट होती है ठीक है जितनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उतना ही है, आपका मटीरियल रिक्वायर्ड होता है लेबर भी ऐसे ही है कि वो भी एक डायरेक्ट uh, मटीरियल होता है और ये वेरिएबल होता है और उसके बाद ओवर हेड एक्सपेंस उसने आपको बताए हैं टोटल सी जी एस भी बताया ये पूरी की पूरी आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट गिवन है लेकिन उसने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है ठीक है अब हम सेल फोरकास्टिंग करेंगे कैसे ये तो आपके पास पुराने साल का डाटा अवेलेबल है इसको देखते हुए हम फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं और आपको 2013 की यानी कि कमिंग ईयर की एक प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं जिसने डाटा आपको गिवन किया है कथा वैक्टा मैनुफेक्चरिंग सेल फोरकास्टेड फॉर द कमिंग ईयर टू हम अपने एक्सटर्नल इंटरनल डाटा के अकॉर्डिंग जो है उसको नेक्स्ट टेबल में रिप्रजेंट करते हैं हमने अज्यूम यहाँ पर यह किया है कि हमारी जो यूनिट सेल प्राइस हैं दोनों मॉडल्स की वो चेंज हो गई हैं ठीक है पहले मॉडल एक्स की जो है वो सेल प्राइस थी ट्वेंटी अब वो चेंज होकर कितनी हो गई है ट्वेंटी फाइव और जो है पहले मॉडल वाई की सेल प्राइस थी फोर्टी अब वो चेंज होकर कितनी हो गई है फिफ्टी हो गई है बाकी हर चीज़ सेम है बस उनकी सेल प्राइस में डिफरेंस आया है तो हम ये देख लेते हैं नेक्स्ट उसने आपको स्टेटमेंट दी होगी ये आपके पास बैलेंस शीट है ये भी हम इसको अवॉइड uh, करते हैं क्योंकि हम अभी इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट को चेक करते हैं यहाँ पर उसने इस टेबल में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि यूनिट सेल्स जो है मॉडल एक्स की अब ये इतनी है मॉडल वाई की अब सेल्स इतनी होंगी ठीक है और आपकी सेलिंग प्राइस जो है इनक्रीज़ होकर इतनी हो गई इस टेबल में बेसिकली उसने अगले साल का डाटा आपको बताया है कि 2013 में हमारी सेल फोरकास्टिंग कितनी है हमने ये ज्यूम किया है मॉडल एक्स के अब जूनर जो है वो 15,000 1500 सेल होंगे और मॉडल वाई के आ, 1950 हंड्रेड सेल होंगे और सेल प्राइस तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि अब वो इंक्रीज़ हो चुकी है तो अब आपके जो टोटल सेल्स हैं वो इंक्रीज़ होकर इतनी हो गई हैं जब आपको अगले साल की सेल्स पता चल जाए तो आप अगले साल की पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं यहाँ पर एक मेथड डिस्कस किया गया है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड और इसको हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है और इसको हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं कि जब आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट गिवन है ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट गिवन थी 2012 की इसको देखते हुए हम इजीली 2013 की बना सकते हैं इनकम स्टेटमेंट अगर हमारे पास सेल्स अवेलेबल हो अब इस टेबल में हमने देखा कि अगले साल की टोटल सेल्स हमारे पास इतनी है वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये है आपके पास टू थाउजेंड ट्वेल्व का डाटा तो 2013 का कैसे हो सकता है हमारे पास जो टोटल सेल्स है पहले वन लैख थी अब कितनी हो गई हैं वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है आप सिंपल करते क्या हैं कि जितने भी आपके पास वेरिएबल्स और जितने भी अमाउंट्स आपको इनकम स्टेटमेंट में गिवन है आप उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे कि पहले सेल्स हमारे पास टोटल थी वन लैख और उसमें से टोटल सी हमारे पास कितना था एटी तो हमने सी की क्या कर ली है परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया तो वो मेरे पास बनेगी एटी परसेंट उसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो जो है वो ट्वेंटी थाउजेंड है तो मैं ट्वेंटी थाउजेंड को वन लाख से डिवाइड करूँगी तो जीपी की कितनी परसेंटेज जा आ जाएगी ट्वेंटी परसेंट उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो है वन थाउजेंड वन थाउजेंड को वन लाख से डिवाइड करूंगी तो वो आ जाएंगे टेन परसेंट इसी तरह से हम हर एक रेलिवेंट आइटम को सेल्स के साथ डिवाइड करके उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हम वर्टिकल एनालिसिस में करते होते हैं जब आपके पास सारी परसेंटेज आ जाती हैं जैसे कि उसने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है आपको तो नेक्स्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट बनाना बहुत ईजी रहता है कैसे ईजी होगा देखिए अब हमारे पास सी जो है वो प्रीवियस ईयर की परसेंटेज कितनी है एटी परसेंट नेक्स्ट ईयर की टोटल सेल्स कितनी है वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड तो मैं अगर इसका एटी परसेंट ले लूँ तो क्या मेरे अगले साल का सी जी एस नहीं आ जाएगा ये एटी परसेंट लूँगी तो सी जी एस आ जाएगा वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट लूँगी तो मेरे पास जी पी आ जाएगा जैसे कि हमने पीछे देखा था यहाँ पर कि जो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट उसकी रेशो हमारे पास आई थी टेन परसेंट तो उसी तरह से मैं अगर वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड का टेन परसेंट ले लूँ तो मेरे पास जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा ऐसा ही है ना तो ये जो नेक्स्ट पेज पर आपकी इनकम स्टेटमेंट बनाई गई है फॉर द ईयर टू थाउजेंड थर्टीन प्रोजेक्टेड वो आपकी इसी तरह से बनाई गई है कि आपने 2012 की जितनी भी अमाउंट्स uh, थी उनको सेल्स के साथ डिवाइड करके उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली और फिर हमने उन परसेंटेज़ को मल्टीप्लाई कर दिया है ठीक है ये एक मेथड है जिसको कहा जाता है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड कि हम अपने अगले पीरियड के लिए इनकम स्टेटमेंट को फ़ोरकास्ट uh, कर लेते हैं अपने पुराने साल की परसेंटेज को यूज़ करते हुए सेल फोरकास्टिंग करने के बाद हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट बना ली है प्रोजेक्टेड अगला काम है हमारे पास प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाना तो यहाँ पर हमने अदर टेक्निक्स फॉर फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना है जहाँ पर हम अपनी बैलेंस शीट को फोरकास्ट कर रहे होंगे यहाँ पर जो हमने मेथड यूज करना है वो है जजमेंटल अप्रोच इनकम स्टेटमेंट को uh, जो है फ़ोरकास्ट करने के लिए हमने परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड को यूज़ किया और बैलेंस शीट को एस्टिमेट करने के लिए हम जजमेंटल अप्रोच को यूज़ करेंगे ये परसेंटेज ऑफ सेल मेथड का एक बेस्ट वर्जन है जिसमें हम करते क्या हैं कि बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहती हैं हम कुछ एस्टिमेट्स करते हैं और फिर हम जो है एक अप्रोच यूज़ करते हैं एक जो है एक्सटर्नल फैक्टर यूज़ करते हैं जिसे हम अपनी बैलेंस शीट को बैलेंस कर देते हैं ठीक है यहाँ पर उसने एक्सप्लेन भी किया है कि हम एक अमाउंट यूज़ कर लेते हैं जिसको कहा जाता है बैलेंसिंग फिगर या फिर प्लग फिगर कि हमारी बैलेंस शीट में अगर दोनों साइड पे डिफरेंस आ रहा हो तो वो जितना भी डिफरेंस हो हम उसको किस में डाल देते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में ठीक है बाकी हर चीज़ सेम रहेगी आपको इसका प्रोसीजर हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर वही जो हमारी कंपनी है वैक्रा मैन्युफैक्चरिंग जो कि एक ही प्रोडक्ट बनाती है जिसके दो मॉडल्स हैं वो 2012 का डाटा आपको यहाँ पर गिवन करती है ये मैंने आपको पहले बताया है ये आपके पास बैलेंस शीट है फॉर द ईयर 2012 ये सारा डाटा आपके पास गिवन है पूरी की पूरी बैलेंस शीट गिवन है नेक्स्ट हमें जजमेंटल अप्रोच को यूज़ करने के लिए कुछ एस्टीमेट्स चाहिए तो वो एस्टीमेट एस्टीमेट्स यहाँ पर गिवन है कुछ ट्रांजैक्शन है सबसे पहला कहता है कि फर्दर या टू थाउजेंड हमें जो मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड है वो सिक्स है थाउजेंड का यानी कि जो हम 2013 की बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें करंट एसेट्स में कैश हमारे पास आ, कम से कम कितना अवेलेबल होना चाहिए सिक्स थाउजेंड नेक्स्ट क्या है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ विल रिमेन अनचेंज फॉर द करंट लेवल ऑफ फोर थाउजेंड यहाँ पर आपके पास जो दो हज़ार बारह की इनकम बैलेंस शीट है उसमें मार्किटेबल सिक्योरिटीज़ चार हज़ार की हैं यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आया तो टू थाउजेंड थर्टीन में भी आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज फोर थाउजेंड की ही रहेंगी नेक्स्ट वो कहता है अकाउंट रिसीवेबल्स ऑन एवरेज रिप्रेजेंट अबाउट फोर्टी फाइव डेज ऑफ द सेल्स हमारे पास जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो फोर्टी फाइव डेज है ठीक है बट वैक्ट्राज बिकॉज नॉर्मल वैक्ट्राज एनुअल सेल्स आर प्रोजेक्टेड टू भी अब हमारी सेल्स जो है दो हज़ार तेरह में पहले वन लैख थी अब ये वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड हो चुकी हैं तो अकाउंट सीएबल शुड एवरेज डॉलर ये हमारे पास अब इतना होना चाहिए ठीक है तो हम इसको जो है अपनी बैलेंस शीट में इसी तरह से लिखेंगे ठीक है उसके बाद है द एंड इन्वेंट्री शुड रिमेन एट अ लेवल ऑफ अबाउट सिक्सटीन थाउजेंड ऑफ ईच ट्वेंटी फाइव परसेंट अप्रोक्सीमेटली फोर थाउजेंड शुड भी रॉ मटीरियल एंड द रिमेनिंग सेवेंटी फाइव परसेंट Approximately 12,000 should consist of finished goods. तो हम सिंपल करेंगे क्या हमारे पास टोटल क्योंकि हमने अपनी बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि एंडिंग इन्वेंट्री ही लिखनी होती है तो उसने कहा है कि हम ज्यूम करते हैं कि वो इतनी होनी चाहिए तो बैलेंस शीट में आप इस फिगर को लिखोगे लेकिन चूंकि उसने आपको अलग अलग से बताया है कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री मेरे पास फोर है और जो हमारे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है वो ट्वेल्व है तो दोनों को ऐड करने के बाद सिक्सटीन थाउजेंड ही आता है ना तो दोनों को सेपरेटली लिखेंगे दोनों को एड करके आपकी टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री या बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री की फिगर आएगी

नेट फिक्स्ड एसेट्स थे फिफ्टी वन थाउजेंड अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी मशीन भी जो कि है उसने बताया आपको बीस हज़ार की और टोटल उसने डेप्रिसिएशन भी आपको बता दी है कि कितनी है एट थाउजेंड एडिंग द ट्वेंटी थाउजेंड एक्विजीशन विद एग्जिस्टिंग नेट फिक्स्ड एसेट्स ऑफ फिफ्टी वन थाउजेंड एंड सबस्ट्रैक्टिंग दिए थाउजेंड जीज़ नेट फिक्स्ड एसेट्स ऑफ सिक्सटी थ्री थाउजेंड सिंपल है आपके पहले जो है वो फिक्स्ड एसेट्स थे फिफ्टी वन थाउजेंड अब हमने जो है एक नई मशीन परचेज कर ली है बीस हज़ार की तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा सेवेंटी वन थाउजेंड और सेवेंटी वन में से हमने एट थाउजेंड की डेप्रिसिएशन को लेस कर देना है तो जो रिमेनिंग अबाउट बचेगी वो कितनी होगी मेरे पास सिक्सटी थ्री थाउजेंड ठीक है आप ये देख सकते हो यहाँ पर आपकी जो अब नेट नेट फिक्सड एसेट्स हैं वो कितने के हैं सिक्सटी थ्री थाउजेंड के वर्किंग आपने पहले से कर ली है ठीक है उसके बाद आ जाता है परचेस विल रिप्रजेंट अप्रॉक्सीमेटली थर्टी परसेंट ऑफ एनुअल सेल्स यानी कि जो आपकी वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड की सेल्स हैं उसका अगर मैं थर्टी परसेंट ले लूँ तो मेरे पास परचेजिज़ की अमाउंट आ जाएगी ठीक है जो कि मेरे पास कितनी बनेगी फोर्टी थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड द फर्म एस्टिमेट दैट इट कैन टेक सेवेंटी थ्री डेज ऑन एवरेज टू सेटिस्फाई इट्स अकाउंट पे एबल यहाँ पर उसने आपको एवरेज पेमेंट पीरियड गिवन किया है आपके पास अगर एवरेज पेमेंट पीरियड हो तो आप इजीली अकाउंट्स पे एबल की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हो आपको ये चीज़ बताई गई है बताया है आपको कि एवरेज पेमेंट पीरियड का फार्मूला हमारे पास होता है अकाउंट पे एबल्स डिवाइड बाई एवरेज परचेजेज़ पर डे तो एवरेज परचेज पर डे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो आपके पास ये डेज़ भी गिमन है तो एवरेज जो अकाउंट पेएबल्स हैं वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर उसने आपको कैलकुलेट करके दिया है वो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली एटी वन हंड्रेड नेक्स्ट कहता है टैक्सेस पेएबल विल इक्वल वन फोर्थ ऑफ़ द करंट ईयर टैक्स लैबिलिटी और ये उसी तरह से उसने नोट्स पेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है नो चेंज इन अदर करंट लैबिलिटीज़ वो सारी इंफॉर्मेशन दी है फॉर लॉन्ग टर्म डेट एंड इट्स कॉमन स्टॉक विल रिमेन अनचेंज और जो भी अमाउंट है वो सारी सेम रहेगी कोई चेंज नहीं आएगा रिटेन अर्निंग्स विल इंक्रीज फ्रॉम द बिगिनिंग लेवल ऑफ ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फ्राम द बैलेंस शीट ये जो हाँ आपकी आपकी यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है वहाँ पर हमारी रिटेन अर्निंग्स की अमाउंट थी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रिटेन अर्निंग्स में चेंज कैसे आएगा आपकी इनकम स्टेटमेंट की वजह से क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में अगर मैं आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाऊं 2013 की तो आप देख सकते हो कि आपने जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सीज आ जाता है जिसको हम अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स भी कहते हैं चूंकि इस क्वेश्चन में उसने कॉमन स्टॉक डिविडेंड भी आपको बताया है तो हमने जब उसको लेस कर दिया तो आपके पास ये जो अमाउंट बची है प्रॉफिट की जब हम अपने सारे क्रेडिटर्स को भी पे कर देते हैं अपने प्रेफर स्टॉक को भी पे कर देते हैं और जब हम कॉमन स्टॉक होल्डर्स को भी पे कर देते हैं तो जो रिमेनिंग बचती है वो रिटेन अर्निंग्स में जाती है जो कितनी है 66, तो इसी से आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी रिटेन अर्निंग्स भी हाँ तो उसने वही एक्सप्लेन किया है कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में से हमने वो रिटेन अर्निंग्स को इंक्रीज करना है अपनी न्यू uh, जो है अमाउंट अब नेक्स्ट जो है अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊँ कैश चूंकि उसने कहा था सिक्स थाउजेंड मिनिमम होनी चाहिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ विल नॉट चेंज अकाउंट रिसीवेबल्स की इंफॉर्मेशन हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड से कैलकुलेट की थी इन्वेंट्रीज को भी हमने रॉ मटेरियल सेपरेट लिखा फिनिश गुड्स सेपरेट लिखी दोनों को ऐड किया तो टोटल इन्वेंट्री भी आ गई और ये है आपके पास टोटल करंट एसेट्स ठीक है और नेट फिक्स एसेट्स में जो चेंज आया था वो सारा हमने देख लिया नई मशीन को ऐड किया अंदर से डेप्रिसिएशन को लेस किया तो नेट फिक्सड एसेट्स आ गए हमारे पास टोटल एसेट्स इक्वल होंगे वन लैख फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव के ठीक है दूसरी साइड पे अगर मैं आपको बताऊँ लाइबिलिटीज़ uh, तो अकाउंट्स पेबल हमने खुद कैलकुलेट किए थे एवरेज पेमेंट पीरियड से टैक्स पेएबल्स भी हमने खुद कैलकुलेट कर लिए थे नोट्स पेएबल की इन्फॉर्मेशन भी गिवन थी तो कहता है कि अदर करंट लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया तो हम सेम फ़िगर वैसे की वैसे लिखेंगे ये हमारे पास हो गई टोटल करंट लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म डेट में भी कोई चेंज नहीं आया कॉमन स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया रिटेन अर्निंग्स में चेंज आया था वो हमने ऐड कर लिया यहाँ पर कर लिया और पूरी फिगर यहाँ पर लिख दी हमारी इतना ही इतनी इतनी ही होती है अगर मैं आपको बताऊं बैलेंस uh, शीट में लाइबिलिटीज और इक्विटी साइड लेकिन चूंकि हमारे पास जो डिफरेंस है वो आ रहा है ये वाली साइड है वन लैख फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड समथिंग के इक्वल और ये वाली साइड हमारी नाइन्टी सेवन थाउजेंड के इक्वल है तो उसमें जो डिफरेंस आता है इन दोनों का हम लेंगे डिफरेंस जो भी डिफरेंस आएगा वो हम किस में डाल देंगे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के कॉलम में ये चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी कि जो जो अप्रोच में जो डिफरेंस आता है हम उसके लिए एक नया अकाउंट बना देते हैं एक नई टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड चूंकि हमारे एसेट्स ज़्यादा हैं हमारे पास जो टोटल लाइबिलिटीज ऑन एंड इक्विटी वाली साइड है वो कम है तो टोटल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड जो है वो कितनी आई है ये एक पॉजिटिव फिगर आई है हमारे पास एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री की तो जब हम इसको अंदर ऐड कर देंगे तो ये ऑनर इक्विटी वाली साइड भी हमारी इक्वल आ जाएगी इसको इक्वल करने के लिए ही बेसिकली हमने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का कॉलम यूज किया है जो कि गर्ल्स यहाँ पर पॉजिटिव फिगर आई है पॉजिटिव एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मतलब है कि हमारी कंपनी ने जो एसेट्स कंपनी को जो एसेट्स चाहिए गिवन टाइम पीरियड के लिए उसके लिए उसको अलहदा से नया लोन भी लेना पड़ेगा जो उसके पास पहले से पैसा है वो इनफ नहीं है उसको लोन लेना पड़ेगा अगर यहाँ पर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की फिगर नेगेटिव में होती तो इसका मतलब यह था कि हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा पैसा अवेलेबल है हमें मज़ीद पैसा लेने की जरूरत नहीं है अपनी करंट ऑपरेशंस को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए ये ऊपर एक्सप्लेन किया है पॉजिटिव वैल्यू को भी कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इसका क्या मतलब है और नेगेटिव वैल्यू को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर बताई गई है वो ये है प्लग फिगर यहां फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड ये एक एजम्पन है आ, हमारी जजमेंटल अप्रोच की कि जो दोनों साइड में डिफरेंस आता है उसको हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड के कॉलम में डाल देते हैं ये दो बेसिकली मेथड्स थे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमारे पास दोनों इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको फोरकास्ट करने के लिए सेल फोरकास्टिंग करने के बाद हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड बनानी होती है देन प्रोजेक्टेड और फोरकास्टेड बैलेंस शीट ठीक है और उसके बाद हम प्रॉपरली अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं